वेलकम बैक टू जागो लाहौर। ब्रेक के बाद ही डिस्कशन करेंगे एजुकेशन सिस्टम पे, मीडिया एंड कम्युनिकेशन स्टडीज को भी हम डिस्कस करेंगे, क्या स्कोप है, क्या मार्जिन है, इस पे तमाम तर डिटेल डिस्कशन होगी। उसके लिए हमें ज्वाइन किया है मियां हनान अहमद साहब ने, जो कि डीन एंड प्रोफेसर हैं फैकल्टी ऑफ मीडिया एंड कम्युनिकेशन स्टडीज यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब। उनको वेलकम करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग सर। आप सिर्फ एजुकेशन सिस्टम की बात करें, अपने हम ओवरऑल क्या लगता है कि हमारा एजुकेशन सिस्टम किस तरफ ज़्यादा जो है वो डेवलप कर रहा है, हमें कितनी ज़्यादा ज़रूरत है इसमें चेंजेस लाने की, एजुकेशन सिस्टम को एक जैसा करने की? देखिए, पाकिस्तान के अंदर अगर दो तरह के हायर एजुकेशन और आपका जो बेसिक एजुकेशन है, दोनों में जो हायर एजुकेशन में काफ़ी इम्प्रूवमेंट आई है फ्रॉम 2002 ऑनवर्ड्स, जब से हायर एजुकेशन कमीशन बनाया HEC, उन्होंने फिर फोकस किया यूनिवर्सिटीज़ के ऊपर, क्वालिटी के ऊपर काफ़ी ज़्यादा फोकस किया गया, रिसर्च के अंदर फोकस किया गया, पाकिस्तान के अब रिसर्च पेपर्स इंपैक्ट फैक्टर में छपना शुरू हो गए हैं। तो ये एक पाकिस्तान का एक फेस जो है इंटरनेशनली नज़र आना शुरू हुआ है, पर अभी भी पहली 500 यूनिवर्सिटी से अगर पाकिस्तान की कोई भी यूनिवर्सिटी नहीं आ रही, तो इसका मतलब यह है कि हमें उस लेवल के ऊपर रिसर्च को प्रोड्यूस करना पड़ेगा, उस लेवल के ऊपर अपने आप को लेके जाना पड़ेगा जहाँ पे हम जाके पाकिस्तान का नाम रजिस्टर्ड करवा सके। एक तो ये इंपॉर्टेंट फैक्टर है। सेकंड, जो हमें इस वक्त जो पाकिस्तान की जो बेसिक रिक्वायरमेंट है वो प्रोफेशनल एजुकेशन की है। हम हायर एजुकेशन की तरफ जा रहे हैं, हमारी जो लोअर एजुकेशन उसके अंदर भी डिफरेंट सिस्टम है, उसमें इंग्लिश मीडियम अलग है, उर्दू मीडियम अलग है, और पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर स्कूल्स का बड़ा एक क्लियर जो है ना आपको डिमार्केशन नज़र आ रही है। एक उसमें सिंक्रोनाइज करने की ज़रूरत है, जो इमरान खान साहब ने ये बात भी कही थी कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने कि जी हम एक यूनिवर्सल सिस्टम लेके आएंगे पाकिस्तान के अंदर एजुकेशन का। डेफिनेटली डिफिकल्ट टास्क एट स्कूल ग्रास रूट लेवल के ऊपर डेवलप करने की जरूरत है, क्योंकि हमारे पास बड़े डिफरेंट लेवल के स्कूल सिस्टम है, फीस वाइज भी और बाकी एजुकेशन वाइज भी। जो इस वक्त जो मैं पाकिस्तान का देख रहा हूँ, अगर चाइना या बाकी कंट्रीज को आप देखें, वहाँ पे प्रोफेशनल एजुकेशन का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। कि मसलन अगर आप टीवी चैनल्स की एग्जांपल ले लें, बहुत सारा हमें जो रिसोर्स पर्सन है वो नहीं मिलता, मसलन हमें NLDs कैमरा लोग नहीं मिलते हमें, जो ना जो टेक्निकल स्टाफ है उसकी बहुत ज़्यादा कमी, जिस तरह हॉस्पिटल्स के अंदर टेक्निकल स्टाफ की ज़रूरत है, इसके लिए हमारे पास स्पेशलाइज्ड डिग्रीज जो है ना या स्पेशलाइज्ड डिप्लोमास नहीं हो रहे। जबकि कनाडा के अंदर मैंने देखा है, अमेरिका के अंदर, वो ज्यादातर लोगों का रुझान प्रोफेशनल एसोसिएट डिग्रीज की तरफ है इंस्टेड ऑफ हायर एजुकेशन। हायर एजुकेशन इज नॉट फॉर एवरीवन, दे प्रेफर फॉर स्किल्स। स्किल्स, यस, दिस इज इम्पोर्टेंट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, वो स्किल को ज्यादा फोकस कर रहे हैं इंस्टेड ऑफ हायर एजुकेशन। हायर एजुकेशन भी होना जरूरी है, पर हम अभी तक जो है ना पाकिस्तान का जो मैंने लास्ट 70 साल से जो हमारा सिस्टम एक चल रहा है अभी तक, उसमें हम प्रोफेशनल एजुकेशन को वो इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे जो हम जो ना कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ की जो एजुकेशन या हायर एजुकेशन को अभी हमारा फोकस ज़्यादा हुआ है। स्टिल अभी बहुत गैप है, क्योंकि पाकिस्तान ऐसा कंट्री है जिसमें 30 ईयर्स के नीचे लोग ज़्यादा हैं, तो इस यूथ को पढ़ाने के लिए, इनको मार्केट में जॉब्स इनके बनाने के लिए, सबसे पहले तो प्रोफेशन एजुकेशन के ऊपर फोकस की ज़रूरत है, फिर हायर एजुकेशन के अंदर भी वो एकेडमिया वो लोग प्रोड्यूस करने की जरूरत है जो आगे लोगों को ट्रेन कर सके। अच्छा, वही बात कि प्रैक्टिकल और थ्योरी बहुत डिफरेंट चीजें होती हैं, चाहे वो किसी भी फील्ड की बात की, जब आप प्रैक्टिकल वर्क में जब तक एंटर नहीं होते या प्रोफेशनल लाइफ में आप नहीं होते, तब तक वो सारी चीजें जब आप इन प्रैक्टिस आते हैं तभी वो चीजें प्रॉपरली आपका स्किल डेवलप। बिल्कुल ऐसे ही, उसकी ये है कि जब तक यूनिवर्सिटीज बिजनेस और जो आपकी एकेडमिया और जो आपकी इंडस्ट्री, इसमें लिंकेज नहीं होगा, और इनके प्रॉपर जो इंडस्ट्री पैसे दे यूनिवर्सिटीज़ को फॉर रिसर्च, और वो जो चीज़ें प्रोड्यूस करें वो आगे यूज़ हो इंडस्ट्री के लिए, तो जो लिंकेज है ना ये बहुत ज़रूरी है। पाकिस्तान में सबसे बड़ा फ्लॉ जो मैं देख रहा हूँ एजुकेशन सिस्टम के अंदर, वो सिंक्रोनाइजेशन नहीं है, आपस में कोऑर्डिनेशन नहीं है इंडस्ट्री की और एकेडमिया की। इंडस्ट्री वो प्रोजेक्ट्स नहीं दे रही है यूनिवर्सिटीज़ को जहाँ पे बच्चे ग्रो करेंगे, यूनिवर्सिटीज़ उनको प्रोवाइड करें वो फैसिलिटीज़ जहाँ पे वो कोलैबोरेशन नहीं है। और जिस तरह स्पेशली मीडिया की फील्ड के अंदर अभी एक नया ट्रेंड आया है, स्पेशली ये मैं जो हमारी जो प्राइवेट सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ हैं, अगर मैं UCP की एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल ले लूँ, और इनका मतलब दुनिया TV है, बाकी इन्होंने बड़ा ज़बरदस्त एक सिस्टम उन्होंने डेवलप किया कि हम यूनिवर्सिटी और टीवी चैनल्स को, उसके हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उनको बड़ा स्ट्रांगली सिंक्रोनाइज किया, और स्टूडेंट हमारे यहाँ पे दुनिया टीवी में ट्रेनिंग ले रहे हैं, और दुनिया टीवी का जो स्किल्ड स्टाफ है वो हमारे स्टूडेंट्स को वहाँ पे ट्रेन कर रहे हैं। तो जब ये स्टूडेंट मार्केट में आएंगे, नॉट ओनली फॉर दुनिया टीवी, दे कैन फाइंड आउट जॉब एनी वेयर इन द लाहौर, किसी भी TV चैनल में जा सकते हैं, उनके पास अब ये स्किल सेट मौजूद है,
कि जो हमने वो एक जो गैप था उसको हमने ब्रिज कर दिया है विद कोलैबोरेशन ऑफ द इंडस्ट्री. तो अभी ये एक पहला स्टेप है. जब से मैंने आया हूँ तो मैंने इसको बहुत ज़्यादा फोकस किया. स्टूडेंट्स को हैंड ऑन ट्रेनिंग के ऊपर मेरा बहुत ज़्यादा फोकस है. इससे बहुत ज़्यादा मैं समझता हूँ कि चेंज आएगी. और इसी तरह अगर आप इंजीनियरिंग को ले लें, जब तक जो मतलब बड़ी फैक्ट्रीज हैं पाकिस्तान के अंदर, अगर वो जो कंपनीज हैं वो स्टूडेंट्स के लिए जैसे इंटर्नशिप प्रोग्राम्स हैं, इसके अलावा कोऑप प्रोग्राम्स भी होने चाहिए, जो पेड प्रोग्राम हो, पेड इंटर्नशिप्स हो, स्टूडेंट जाएँ वहाँ पर उनको पे मिले और उसके बाद कंपनीज उन्हीं बच्चों में से अच्छे स्टूडेंट्स को निकाल के उनको जॉब्स ऑफर कर सकते हैं. अब देखें जितने भी मैं देखता हूँ तो बहुत सारे मेरे स्टूडेंट डिफरेंट कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज जो मैं मुझसे डिफरेंट यूनिवर्सिटी से और एफसी से या बाकी कॉलेज से पढ़ के निकले, वो डिफरेंट चैनल्स के अंदर जो है ना वो टेक्निकल जॉब्स भी कर रहे हैं एज ए प्रोड्यूसर, और उसके बाद जो है एंकर्स भी हैं मेरे स्टूडेंट्स बहुत मेल एंड फीमेल. तो ये जब मैं देखता हूँ मुझे बड़ी खुशी होती है कि हमारे हाथ की ये प्रोडक्ट निकली है, उन्होंने सीखा है हमसे और राइट नाउ दे आर हैविंग देयर ओन करियर और जो है ना वो लाइफ में आगे ग्रो कर रहे हैं. उसमें यूनिवर्सिटीज़ का बड़ा अहम रोल है. टेक्निकल एजुकेशन जो है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट. जब तक इंडस्ट्री और एकेडमिया का स्ट्रॉन्ग कोऑर्डिनेशन नहीं होगा हम तरक्की नहीं कर सकते, एक बात. और दूसरी जो मैं एजुकेशन सिस्टम के हवाले से बात करूँगा वो है रिसर्च कल्चर. पाकिस्तान में रिसर्च कल्चर बिल्कुल नहीं है. रिसर्च कल्चर को प्रमोट करने की जरूरत है. देखिए रिसर्च इंस्टीट्यूट्स नहीं है बेसिकली. देखिए उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि आपकी यूनिवर्सिटीज में अगर मैं जब अमेरिका में था मैंने देखा है वहाँ पे यूनिवर्सिटीज के अंदर रिसर्च हो रही है, वो रिसर्च आगे यूज हो रही है, पेपर्स लिखे जा रहे हैं, वो पेपर्स आपकी जो गवर्नमेंट के जो अदारे हैं जो पॉलिसी मेकिंग के अदारे हैं वो आपकी यूनिवर्सिटी की रिसर्च से फायदा उठा रहे हैं. मेरा नहीं ख्याल है पाकिस्तान में कोई भी जो है ना इस तरह का अदारा जो हमारा पॉलिसी मेकिंग का है वो यूनिवर्सिटी के साथ कोलैबोरेट करता होने के जी हमें इस एरियाज में रिसर्च करके दें. कौन से एरियाज में माइट बी इन ए फॉरेन पॉलिसी और बहुत बड़े इश्यूज हैं जिसके ऊपर बात हो सकती है या जिसके ऊपर इनपुट दी जा सकती है, वो लेवल का कोऑर्डिनेशन मौजूद नहीं है. एक तो ये प्रॉब्लम है और दूसरा जो है ना रिसर्च में जो इंडस्ट्री है ना अगर ये उस पर फंडिंग करे यूनिवर्सिटीज को तो बहुत ऐसे प्रोजेक्ट नए प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस की जा सके जिससे हम इंटरनेशनली कम्पीट भी कर सकते हैं और अपनी प्रोडक्ट्स को मार्केट में इंट्रोड्यूस भी करवा सकते हैं. जहाँ तक टैलेंट की बात है मैं एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात आपसे शेयर करता हूँ. मैं जब कनाडा में पढ़ाता था तो मैंने देखा मेरे कुछ स्टूडेंट पाकिस्तान से, बाकी तो सारे वहाँ के कैनेडियन कॉकेशियन वाइट थे, कुछ उसमें अफ्रीकन अमेरिकन थे, डिफरेंट ग्रुप कैटेगरीज थी. तो मैं बड़ा हैरान होता था पाकिस्तानी है, देर आर रियली ब्रिलियंट, बहुत ही जबरदस्त लाइक स्टूडेंट थे पाकिस्तानी और वो दे आर नॉट कैनेडियन नेशनल, वो पाकिस्तान से सिर्फ पढ़ने के लिए गए होते अंडर ग्रेड स्टूडेंट. मैंने ये एक चीज़ जो यहाँ पे भी मैंने एक ऑब्जर्व किया, पाकिस्तान अगर इंडिविजुअल कैपेसिटी में पाकिस्तानी को देखा जाए ये बड़ी हार्ड वर्किंग है और ये अपनी मेहनत करने वाले हैं, पर जब ये इनको एज ए टीम काम करते हैं एज ए ग्रुप काम करते हैं इनकी प्रोडक्टिविटी बड़ी कम हो जाती है. वो वजह क्या है? वो वजह ये है कि इनकी टीम कोऑर्डिनेशन नहीं है. अच्छा। हमें बचपन में वो ट्रेनिंग नहीं, हम हमारे आदत नहीं डाली गई कि अब वहाँ पे मैंने देखा, मैं जापान रिसेंटली विजिट किया तो मैंने वहाँ पे देखा वो इतनी ऑर्गेनाइज कॉम है, इतने नीट एंड क्लीन है और इतने जो है ना जैसे आप कहते हैं डिसिप्लिन है ना. तो मुझे मैंने बड़े कंट्री मोर देन 40 कंट्रीज में ट्रैवल कर चुका हूँ और मेरा ट्रैवलिंग बड़ा एक पैशन है. मैं बड़ी दुनिया में ट्रैवल करता हूँ, तो एक्सपोजर होता है और फिर आप अल्लाह ताला के करीब होते हैं. अगर आपने अल्लाह ताला को ढूंढना है देखना है तो मैं समझता हूँ नेचर एक्सप्लोर, नेचर ही खुदा है अगर आप उसको अगर देखते हैं ना. तो मैंने इससे बड़ा लर्न किया है. ये जो चीज़ें मैंने जापान जब गया वहाँ मैंने देखा वो इतने डिसिप्लिन हैं, वो लोग वो फोकस्ड हैं, उनकी ट्रेनिंग दी जाती है कि वो भी आपने किस तरह लोगों को एंटरटेन करना, हम्बल पोलाइटनेस, ये सारी चीज़ें जो है ना वो जो है ना वो बहुत ज़्यादा मैंने वहाँ पे नोट किया. और पाकिस्तान जब से एक और एक इंटरेस्टिंग बात जो मैं इसमें ऐड करना चाह रहा हूँ वो सोशल मीडिया के हवाले से है. आजकल हम फैमिली में 5-4 लोग बैठे होंगे, हर बंदा अपने अपने कमरे में, मदर है तो अपने मोबाइल पे लगी है, फादर है तो अपने पे, बच्चे अपने अपने लगे हो, किसी के पास टाइम नहीं है कि वो किसी के ऊपर फोकस करे कि भाई वो बात पहले ही होता है कि आप शाम को सभी इकट्ठे होते थे, सारे इकट्ठे होते तो किसी भी टॉपिक में पॉलिटिक्स पे बात कर ली, बेशक फैशन पे बात कर ली, अगर ईद है तो उसके ऊपर आपने मेहंदी के ऊपर बात कर ली, कपड़ों के ऊपर बात कर ली. अब क्या हुआ, चीजें चेंज हो गई, प्रोडक्टिव टॉक हुआ करती थी, प्रोडक्टिव टॉक थी, इवन गॉसिप भी अगर है तो प्रोडक्टिव टॉक थी, उससे बच्चों को पता होता था
कि हाउ टू इंटरेक्ट इन ए ग्रुप ग्रुप एग्जैक्टली आपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू को किस तरह रखना है, किस तरह प्रेजेंट करना है, जब आपके सामने बड़े बैठे हैं तो आपने कैसे अपने आप को बोलना है, वो चीजें जो ना सोशल मीडिया से कम होती जा रही है। पर सोशल मीडिया में इंडिविजुअलिज्म का दौर, आंखें मिला के किसी से बात नहीं कर सकते, लोगों को इतनी आदत पड़ गई अपने। अब ये कि हम सोशल मीडिया को पॉजिटिवली इसको यूज करें ना, और उसको यानी कि अपनी ठीक है सेल्फ ब्रांडिंग करें, आप अपने को आपका राइट बनता है, आप अपने को ब्रांड करें, आपको प्रेजेंट करें, लेकिन पर अब आप अपने आपको उस तरह प्रेजेंट करना शुरू होगा, अब हर बंदा ही ऐसे लग रहा है कि वो किसी सिर्फ सोशल मीडिया के जाएंगे कि हम सोशल मीडिया पे कैसे नजर आ रहे हैं, रियल लाइफ में नोबडी बॉदर्स के उसकी क्या। एक और चीज बड़ी इंपॉर्टेंट होती जा रही है, जब से ये सोशल मीडिया के और ये जब का मीडिया का एक्सपोजर ज्यादा हो गया लोगों का, अब हमारे जो स्पेशली जो हमारी फीमेल्स हैं इनके अंदर थिन आइडिया इंटरनलाइजेशन हो गई है, हर कोई कहता है जो प्रेजेंट किए जा रहे हैं मीडिया के अंदर जो ब्यूटी स्टैंडर्ड्स हैं, हर बंदा अब उसको फॉलो करना शुरू हो गया। अब इस तरह ये कि पाकिस्तान जो एक टेक्निकली अगर देखा जाए ये ब्राउन लोगों का कंट्री है, इसमें व्हाइट लोग नहीं है, अब हर बंदा व्हाइटिंग क्रीम इस्तेमाल कर रहा है और एक स्पेशल किस्म की ग्रूमिंग इज नॉट अ बैड थिंग। एग्जैक्टली, वी हैव टू क्लेरिफाई ऑन एवरीडे बेसिस के भाई जो हम स्क्रीन पे नजर आते हैं वो टोटली डिफरेंट एक आपका अटायर होता है, इसको एक्सेप्टेंस लेवल लोगों में लाने की हमें जरूरत है। इसमें एक और भी चीज है जो एक रियलिटी है ना, अगर आप पाकिस्तान के अंदर ही देखें, हम अगर टीवी ड्रामास देख लें या उसमें अगर आप, बड़ा इंटरेस्टिंग बात है कि मेजोरिटी ड्रामों के अंदर या जो आपके डिफरेंट प्राइवेट टीवी चैनल्स में है, हमने हमेशा जब भी सिलेक्ट किया है हमने हीरोइन को या जो हीरो उस पर लीड कैरेक्टर रोल जो है उसको हम एक बहुत ही ब्यूटीफुल और उसमें बहुत ज़्यादा स्लिम एंड स्मार्ट बंदे को हम और लड़की को भी और लड़के को भी हम हायर उसके लिए लीड रोल के लिए चुनते हैं। हालांकि पाकिस्तान के अंदर मोर देन 90% पीपल आर ऑर्डिनरी पीपल, जो यानी कि इतने फेशियल एक्सप्रेशन भी नॉर्मल होंगे और दे आर गुड बाई हार्ट, तो हमें चाहिए कि अपने जो लीड कैरेक्टर्स के लिए कुछ ब्यूटी स्टैंडर्ड्स को थोड़ा जो ना फ्लक्चुएट करें या उसको स्विच करने की जरूरत है, उसको आगे पीछे लेके जाएं, उससे ये होगा कि आपको एक एक्सेप्टेबिलिटी सोसाइटी के अंदर लोगों को मिलेगी, क्योंकि बहुत सारे लोग जो ना आप इस तरह के जब स्टैंडर्ड सेट करते हैं तो बहुत सारे लोगों के अंदर आप देखें कि कॉम्प्लेक्स होता है, कॉम्प्लेक्स आ जाता है, ईटिंग डिसऑर्डर पैदा हो रहा है, अब बच्चियों को शुरू से दबाव डालना शुरू कर देंगे। अब लड़के जब भी ये बात मैं देखता हूँ स्टूडेंट आते हैं, हर बंदा यही कॉन्शियस है मैं मोटा हो जाऊंगा, किसी में पूछता हूँ यार ये चॉकलेट्स पड़ी है कोई चीज, तो मैं कहता हूँ यार बेटा ये खा लो, या किसी को मेरे को दोस्त आती है या दोस्त आता है मैं कहता हूँ यार डॉक्टर साहब डोंट वरी ये तो वेट कैरी कर रहे हैं, मैं कहता यार मैं तो बहुत ज्यादा मीठा खाता हूँ, तो ये डिपेंड करता है कि आपकी हैबिट्स के ऊपर किस तरह की है, और उसके बाद ये कि आपका मेटाबॉलिज्म कैसे काम करता है, माइंड आपका कैसे है, डिपेंड्स कि आपका लाइफस्टाइल ओवरऑल कैसा है, लाइफस्टाइल ओवरऑल कैसा है। और बाकी ये कि मैंने ये चीज नोट की है कि जो हैप्पीनेस का इंडेक्स अपना बढ़ाएं, अगर आप खुश होंगे ना तो खुशी ही आपकी तरफ आएगी। लेकिन जो एक कंपटीशन की एलिमेंट है ना सर, सॉरी मैं आपको इंटरप्ट करूं, जो कंपटीशन का एलिमेंट है उसकी वजह से भी हम उसको प्रोडक्टिव तरीके से नहीं लेते, हम उसको पॉजिटिव नहीं लेते, हम अपने आप को उसमें जला लेते हैं किसी के साथ कम्पीट करने में। अगर आपने लंबा जिंदा रहना ना तो दो ही उसकी लामात है, कम खाएं और हसद छोड़ दें। वाह, ये लेसन है जो मैं समझता हूँ, आप किसी से कम्पीट ही ना करें। मेरा एक मैं अपना एक अपनी लाइफ का जो एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करता हूँ, मैंने अपनी ज़िंदगी में आज तक कभी, मैं बहुत कंटेंटेड आदमी, मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी किसी के साथ कंपेयर ही नहीं किया अपने आप को। और मेरे सक्सेसफुल होने की अलामत क्या है, वो ये है कि अगर मेरा किसी से कंपटीशन होता है मैं इतने स्टैंडर्ड हाई कर देता हूँ अपने लिए, इतना हार्डवर्क शुरू कर देता हूँ, अगला बंदा मेरे हार्डवर्क का मुकाबला नहीं कर सकता। लवली, देखिए तरीका ये बजाय ये कि आप उसकी टांगे काटें, उसके रास्ते में ब्लॉक करें, पॉलिटिक्स करें, छोड़ दें। उन्हें कहा जी मेरे पास टैलेंट मौजूद है, मैं अपने आप को इस तरह डिजाइन करूंगा, इस तरह अपने आप को लेके चलूंगा कि अगले बंदे के आप अगर आप 12 घंटे काम कर रहे हैं 18 शुरू कर दे कोई आपका मुकाबला नहीं कर सकेगा। हाँ, पीपल गेट फेड अप, वो बिल्कुल, अगर आप एक बंदा एक रिसर्च पेपर प्रोड्यूस करता है आप दो प्रोड्यूस करना शुरू कर दें, अगर एक बंदा 1 किलोमीटर वॉक करता है आप दो किलोमीटर शुरू कर दें, आप अपनी एनर्जीज को चैनलाइज जब करते हैं ना तो यू कैन ओवरकम every kind of competition. Exactly. आप कॉम्पिटिशन में अपने आपको हमेशा ना एक यूनिक पोजिशन पे रखें। एक तो हसद को छोड़ दें, ये एक पहली बात है, और दूसरी कम खाना ही जो है ना वही आपका लॉन्ग टर्म जिंदा रहने के लिए जो है ना एक की है, क्योंकि कम खाएंगे बीमारी से बचेंगे। और सेकेंड ये बात है कि वैसे भी आपकी फूड मैनेजमेंट है, अगर हमारा एक अकीदा है कि अल्लाह ताला ने हर इंसान का एक फूड मुकर्र किया हुआ, कुछ नहीं रिज़्क़ खाना है, अगर आप कम खाएंगे तो आप लंबा अरसा जिंदा रह सकेंगे। दिस इज easiest way to manage your lovely as I said, coming back to the education system, अभी हम बात कर रहे थे मीडिया एंड कम्युनिकेशन, चूंकि आप डीन भी हैं,
आप ऑब्जर्वेशन आपकी क्या है, क्योंकि नॉर्मली हम जब फील्ड में आते हैं इट्स टोटली ऑपोजिट जो हमने यूनिवर्सिटी या कॉलेज में पढ़ा होता है. आप प्रैक्टिकल वर्क, जैसे हम स्किल की बात करें, किस तरह से प्रैक्टिकल वर्क जो इस फील्ड में हम स्पेसिफिकली बात करें बड़ी ज़रूरत है इसकी कि हम बच्चों को बताएं. मुझे याद है कि यूनिवर्सिटी में जितनी मैंने थ्योरी पढ़ी शायद वो बहुत कम आकर या कहीं ना कहीं बहुत एक आध चीज़ हमें इम्प्लीमेंट हुई हो, तो प्रैक्टिकल वर्क कितना इम्पॉर्टेंट है. देखिए उसमें आजकल तो मैथ्स कम्युनिकेशन के अंदर हमने दो तरह के जो प्रोग्राम शुरू किए हुए हैं. एक तो हमारा बिल्कुल टेक्निकल प्रोग्राम है जिसमें हम जिस तरह प्रोफेशनल टैग के अंदर स्टूडेंट्स को ऑफर कर रहे हैं, जिसमें टोटली जब वो डिग्री कंप्लीट करते हैं दे कैन यू नो फाइंड आउट जॉब इन एनी टीवी चैनल, तो उसको ट्रेंड किया जाता है. दूसरा जो है मतलब पब्लिक रिलेशन एडवर्टाइजिंग की अलग हम स्पेशलाइजेशन कर रहे हैं जिसके अंदर बच्चे किसी भी एडवर्टाइजिंग कंपनी के अंदर वहाँ पे वो जा सकते हैं. तीसरा जो है वो आपका रिसर्च का ट्रैक है कि अब जो आज से को 10 से 15 साल पहले जो एक एजुकेशन थी ना वो टोटल बेस थी उसके ऊपर रिसर्च के ऊपर, प्रैक्टिकली बिल्कुल कुछ पता ही नहीं था स्टूडेंट्स को. अब हमारा भी फोकस है जब हमारी इंटरेक्शन होती है टीवी चैनल्स के लोगों के साथ तो वो कहते हैं डॉक्टर साहब हमें आपकी जो प्रोडक्ट आ रही है मार्केट में उसमें ये शॉर्ट कमिंग है. अब मैंने जो अपने कोर्स डिज़ाइन किए हैं यूसीपी के अंदर और जो मैंने पिछले 6 मंथ्स में मैं यही काम कर रहा हूँ, हमने तमाम कोर्सेज के अंदर प्रैक्टिकल एंड थ्योरी दोनों को मर्ज कंबाइन किया है ताकि इस तरह का एक उसका मॉड्यूल डेवलप किया है कि जो बच्चा उस कोर्स को पढ़े उसको थ्योरेटिकल फाउंडेशन भी उसकी स्ट्रांग हो और साथ उसके पास स्ट्रांग किस्म का प्रैक्टिकल नॉलेज हो ताकि जब वो मार्केट में निकले तो वो एक बेस्ट प्रोडक्ट हो. ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है बिकॉज़ अब जो कंपटीशन है मीडिया इंडस्ट्री में भी वो भी बहुत के हमारे पास स्टूडेंट्स हैं जो काम कर रहे हैं ऑलरेडी वर्किंग इतने सारे लोग हैं, फिर और भी लॉट आ रही है तो वो सारी चीजों को जस्ट स्किल बेस्ड की भी जरूरत हमें. देखिए स्किल बेस्ड के साथ साथ देखिए आजकल 3-4 फैक्टर्स इंपॉर्टेंट. फॉर एग्जाम्पल अगर आप एंकर की एग्जाम्पल ले, बिल्कुल, अब एक जो एंकर टीवी के ऊपर सस्टेन करना चाह रहा है लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए, सबसे पहले तो उसकी रीडिंग हैबिट्स हो जो बिल्कुल टोट एंकर आजकल पढ़ते नहीं है, निकल गया स्क्रिप्ट आ जाता है उसको बोल देते हैं. और टीवी के ऊपर अगर कोई बंदा अगर मेरे जैसा मीडिया एनालिस्ट बैठा वो एक मिनट में अंदाजा कर लेते यहाँ पे आगे इसका काम जो है ना एंड हो रहा है, इसको इसकी पास बेसिक नॉलेज हिस्ट्री का नहीं है या लैकिंग है इसके एरिया जो इसकी बेस नहीं है. एक तो एंकर्स के मैं रिकमेंड करूंगा ज्यादा से ज्यादा पढ़े पाकिस्तान की पॉलिटिक्स के बारे में हिस्ट्री के बारे में एक चीज. सेकंड ये है कि सेल्फ ग्रूमिंग, क्या आप अपने आप को ग्रूम करें, अपने डेफिनेट में एक्सरसाइज भी है, अपने आप को प्रेजेंट करें, अपनी ड्रेसिंग द वे यू आर लुक लाइक ऑन स्क्रीन. तीसरा जो फैक्टर इसके अंदर है कि अपनी टेक्निकल स्किल्स भी आपको आनी चाहिए, आपको ये पता है अगर डिफरेंट कोई सॉफ्टवेयर है आप उसको भी सीखें, क्योंकि जितना आपको काम आता होगा कि बहुत सारी चीज़ें जो आप लोगों के ऊपर डिपेंडेंट हो गए आप खुद करना जब आता होगा उसमें आप चीज़ें में ज़्यादा प्रोफिशिएंसी दे सकते हैं. exactly. ज़्यादा बता सकते हैं कि भाई ये अगर एडिटिंग हुई है तो इसमें ये प्रॉब्लम है. ये अगर आपको नहीं पता होगा तो वो आप उनके हाथों में जो है ना आप समझ लें कि जो वो कह रहे हैं आप एक डमी है. exactly. इसलिए मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स को भी कहता हूँ जो मेरे दोस्त हैं जो इस फील्ड में उनको कहता हूँ तो कि आप बेसिक्स जो है ना वो लर्न करें. ये नहीं है कि अब मैं बहुत सारे लोगों को जानता हूँ जिन्होंने PhDs की हैं उसके बाद उनके PhD के लिए पढ़ने की क्या ज़रूरत है, किताबें छोड़ दिया. मैंने अपने घर में पूरी अपनी लाइब्रेरी बनाई हुई है. मैं रात को 3-2.5 से 3 घंटे ना डेली जितना मर्जी मेरा रूटीन हो मैंने कोई ना कोई अपनी रिलीजन के ऊपर अगर किताब है तो वो पढ़ता हूँ. मैंने पूरी एक कलेक्शन है मेरे पास सीरत नबवी की, उसके बाद मेरे पंजाबी के जितने बड़े पोएट्स हैं मसलन मियाँ मोहम्मद बख्शा वारिस शाह है और उसके बाद बुल्ले शाह, मैंने पूरे कलाम इनके पढ़े हुए हैं. मैंने मसली पूरी पढ़ी हुई है उसका पूरा उसके बाद मैंने जो है बोस्तान गुलस्तान ये जो बाय शेख सादी वो पूरी डिटेल में पढ़ा हुआ है, इकबाल को पढ़ा हुआ है. देखिए हाथ का जो टाइम है वो आपका लेजर टाइम है, यू मी टाइम होता है आपका. एग्जैक्टली उसमें मैं फिल्म भी देखता हूँ जो नई आती है उसको मैं देखता हूँ उसको मेरा मतलब आपने बैलेंस रखा हुआ है हर चीज को. हर चीज और बैलेंस इज एक्चुअली द की टू एवरीथिंग. ये मैं लोगों को भी कहता हूँ इफ यू वांट टू न्यूट्रलाइज योर सेल्फ और आप जितना आपका होराइजन बड़ा हो गया ना अगर आप अपनी फील्ड के मुताबिक भी पढ़ें डिफरेंट चीज़ों के ऊपर पढ़ें ये सारी चीज़ें जब आप टीचर होते हैं जब आप पढ़ा रहे होते हैं तो आप एट ए टाइम मैं हमेशा ये कहता हूँ जो टीचर होता है ना वो ऐसा एक्टर होता है कि वो जब वो पढ़ा रहा होता है वो स्टेज के ऊपर एक्टिंग भी कर रहा होता है. हाँ. साथ वो अपना स्क्रिप्ट भी खुद लिख के लेके आता है. एंकर को स्क्रिप्ट लिखा हुआ मिलता है वो स्क्रिप्ट लिख के भी खुद लेके आता है क्योंकि उसे पता होता है कि आज मैंने ये लेक्चर देना है. स्क्रिप्ट लिखता है फिर उसके बाद वो जो ऑडियंस के क्वेश्चन आंसर के जवाब भी देता है, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर रहा होता है साथ जो जवाब आता है उसका जवाब भी दे रहा होता है.
और साथ ये कि वो एक रोल मॉडल भी होता है, तो अपने आप को इस तरह प्रेजेंट करता है कि बच्चे उसको कॉपी करते हैं, उसके स्टाइल को, उसका आई कॉन्टैक्ट, उसका कॉन्फिडेंस देना। तो मैं समझता हूँ कि टीचर की एक बहुत ही अहम रिस्पॉन्सिबिलिटी है। वो किसी भी फील्ड का टीचर है, वो मेडिसिन पढ़ा रहा है, वो एक रिलीजियस टीचर है, बेशक वो मस्जिद का इमाम मस्जिद है, वो भी जब टीचिंग कर रहा हो, पढ़ा रहा हो, तो उसको ये एटीट्यूड्स होने चाहिए उसके अंदर, ताकि वो एक चीज़ है पाकिस्तान के अंदर जो मैं मैसेज एक मैं समझ रहा हूँ कि जो प्रॉब्लम आ रही है हमारे यहाँ यहाँ पे, हम जिसे आप कहते हैं हम लिसनर जो है ना, हम लिसन नहीं करते, हम सिर्फ बोलते हैं, लोगों को मौका नहीं देते। हम वी डू हियरिंग वी डोंट लिसन। एग्जैक्टली, सबसे पहली बात यह है कि अगर आप कोई चीज़ कंडक्ट कर रही है, मीटिंग है कुछ, लोगों को मौका दें बोलने का। आप उनके पॉइंट्स लिखते जाएं, बहुत सारे लोग बहुत सारी बातें जब आप इनक्रेज करते हैं तो बहुत अच्छी इनपुट्स आती हैं। उन इनपुट्स को रिकॉर्ड करें एंड इन द एंड यू विल टेक योर डिस्क्रिशन एंड पावर, आप उसके ऊपर डिसीजन ले लें। सबसे पहले इनपुट्स को लें, हम ये एक लैकिंग पाकिस्तान के अंदर है। और सेकंड ये कि अभी सोशल मीडिया और वीडियो गेम्स खेलने के साथ जो मैंने देखा है, लोग हाइपर होते जा रहे हैं और स्पेशली कारों की, अब मैं बहुत सारे शॉर्ट टेम्पर्ड हो रहे हैं, शॉर्ट टेम्पर्ड, और स्पेशली जिन्होंने नीड फॉर स्पीड और इस तरह की गेम्स खेलनी है, जब मैं उनके साथ गाड़ी में बैठता हूँ, मुझे पता है कि ये ग्रुप है, मैं पहला क्वेश्चन उसे पूछता हूँ कि आपने नीड फॉर स्पीड खेली है? अच्छा। वो कहते बिल्कुल डॉक्टर साहब, वो तो हमने सारे पूरे के पूरे जो है ना, अब जब वो मैं उनके साथ गाड़ी में बैठता हूँ ना, तो उनका जो स्टाइल है गाड़ी चलाने का, ब्रेक लगाने का और रफली कट करने का ना, मुझे अंदाजा होता है, मैं कहता जनाब ये इनको जो ना बिल्कुल ये सही कह रहे हैं। ये जो फैक्टर्स होते हैं इनके ऊपर बहुत ज्यादा गौर करने की जरूरत है। ये अब जो ना, अब जो हमारे जो फ्यूचर सोशल साइंसिस्ट हैं, जो मीडिया के प्रोफेसर हैं या एजुकेशनिस्ट हैं, इनको इन चीज़ों पर फोकस करने की जरूरत है कि सोशल मीडिया के किस तरह के इम्पैक्ट आ रहे हैं, और इसके साथ जो आजकल साइबर हरासमेंट के जो इश्यूज हैं, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आजकल लोगों को पता नहीं है, फेसबुक पर लोग अपनी पिक्चर्स दे रहे होते हैं, आप वहाँ पर पिक्चर्स को ड्रैग करते हैं। अब तो शुक्र है पाकिस्तान के अंदर लोगों को अपने राइट्स का पता चल गया है, अब वो साइबर क्राइम यूनिट भी आ गए हैं जो लोगों को बता रहे हैं कि भाई हाउ टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ, वट आर योर राइट्स, और कहाँ पर आपके राइट्स की वायोलेशन हो रही है। तो मैं ये समझता हूँ कि इनको मजीद, और हमने अपने मैथ्स कम्युनिकेशन के कोर्सेज के अंदर दो चीज़ों के अंदर हमने बड़ा इसके ऊपर फोकस किया। अभी रिसेंटली मैंने एक कोर्स अभी डिजाइन, इसकी अवेयरनेस की जरूरत है, उससे हमने साइबर जो है ना क्राइम जो है, और उसकी लिमिट कई मतलब लोग अनइंटेंशनली कर रहे थे पर होता वो क्राइम है, उनको बता रहे हैं कि मीडिया के अंदर अगर आपने किसी टेक्नोलॉजी को यूज़ करना है तो किस हद तक आप यूज़ करेंगे, और उसके क्या प्लस है और क्या नेगेटिव है, और ये जो टेक्नोलॉजी आपको कहाँ पे लेके जाएगी और क्या इसके रिपरकशंस हो सकते हैं, एक और आपके राइट्स क्या हैं, किस तरह आपने आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। देखिए मीडिया एक ऐसी डबल एक्स सॉर्ड है, ये लोगों को एजुकेट करता है साथ क्रिटिसाइज भी करता है। देखिए जब से हमारा माशाल्लाह से पाकिस्तानी मीडिया ग्रो करना शुरू हुआ है, अब मुख्तलिफ जो डिप्राइव्ड सेगमेंट्स ऑफ सोसाइटी है उसकी वॉइस ऊपर आना शुरू हुई है। देखें खवातीन के जो इश्यूज थे, जो प्रॉब्लम्स थी, उसके ऊपर बात होना शुरू हुई है, चाइल्ड अब्यूज के ऊपर बात होना शुरू हुई है, अब जो जो हाउस सर्वेंट्स हैं उनके ऊपर बात होना शुरू हुई है, एजुकेशन के ऊपर बात होना शुरू हुई है। अब देखें कि अब मीडिया अपना रोल प्ले बड़ा पॉजिटिवली रोल प्ले कर रहा है पाकिस्तान में, वो लेके जाता है। अब आप देखें कितने प्रोग्राम डिफरेंट चैनल्स के अंदर आ रहे हैं, वो लेके डिफरेंट सेगमेंट्स कहीं पर कोई मिलावट हो रही है तो वो दिखा रहे हैं। ये बहुत आगे फिर गवर्नमेंट का काम है कि मीडिया के साथ कोलैबोरेट करे और मिलके इसके ऊपर ड्रास्टिक एक्शन ले और लोगों को गिरफ्तार करे जो लोग इस इन तरह की इन्वॉल्वमेंट्स में इन्वॉल्व हैं, जो ये इन्हें कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो करने की हैं गवर्नमेंट के पास। ज़बरदस्त, थैंक यू वेरी मच सर, बहुत शुक्रिया कि इतनी ज़बरदस्त आपने एजुकेशन सिस्टम के हवाले से बात की। जनाब उम्मीद करते हैं कि आपके काफ़ी काम आई होंगी, क्योंकि मेरा इंटरेस्ट डेवलप हो रहा था जैसे जैसे कन्वर्सेशन आगे बढ़ी थी। अभी हम ब्रेक लेंगे जी, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे, आप देखते रहिए जागो लाहौर। ब्रेक में आप ये गाना एंजॉय।